नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस में हो रहे नए बदलाव के बारे में। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में बिहार सरकार ने एक बड़ा उलटफेर किया है। सरकार का मानना है आने वाले दिनों में MBI के सामने होने वाले टेस्ट नहीं होंगे। राज्य में खुलने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही इसका प्रमाण पत्र लेना होगा। उसी के आधार पर चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव पर फिलहाल काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही विभाग की ओर से इस बाबत कोई आदेश जारी किया जाएगा। बिहार में भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए लर्निंग लाइसेंस लिया जाता है। अंतिम तौर पर लाइसेंस लेने से पहले आवेदक को गाड़ी चलाने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस लेने पर आमतौर पर अंग्रेजी का अक्षर 8 तो कार की लाइसेंस लेने के लिए पीछे चलाकर आने जाने को कहा जाता है। इस जांच की जिम्मेवारी अमूमन मोटर या निरीक्षक MBI के पास होती है, लेकिन MBI की परीक्षा में 99% पास तो सड़क पर 80% फेल हो जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए विभाग ने अब व्यवस्था में परिवर्तन करने की बात कही है। पिछले दिनों परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने साफ कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए यानी कि उसे खुलवाने के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही प्रमाण पत्र लेना होगा। आवेदकों को MBI के पास जांच प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य में खुलने वाले 61 प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसलिए इसकी प्रबल संभावना है कि जल्द ही विभाग की ओर से इस बाबत एक नई नोटिस जारी की जा सकती है। विभागीय जांच से मुक्ति मिलने पर लोगों को सरकारी कार्यालय की भागदौड़ से भी निजात मिल जाएगा। हर जिले में खुलने वाले ट्रेनिंग स्कूल में 1 महीने तक प्रशिक्षण लेना होगा। इस अवधि में उबे गाड़ी चलाने की सभी बारीकियों को समझ लेंगे और सीख लेंगे, इसलिए आवेदकों को परेशानी नहीं होगी। वो ट्रेनिंग स्कूल से मिलने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई तरह की बातें होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि लाइसेंस बनवाने के लिए गलत तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। विभाग और सरकार पर लग रहे यह आरोप के बाद से अब यह कहा जा रहा है कि अब इस पूरी प्रक्रिया को निजी हाथों में दे देंगे, जिससे ट्रेनिंग स्कूल वसूली का केंद्र नहीं बनेगा। वहीं बिना प्रशिक्षण के ही प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि बड़े जिलों के अधिकतम 3 और छोटे जिलों में 1 स्कूल खोले जा सकते हैं, जिससे प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूलों पर भी मनमानी नहीं चलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से बिहार में सड़क दुर्घटना की वृद्धि हो रही है, उसके लिए यह जरूरी है कि प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेने के बाद ही लोगों को आवेदन के लायक माना जाएगा। इसके बाद MBI की ओर से जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे, तभी सड़क दुर्घटना में कमी आ सकती है। सरकार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ट्रेनिंग स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया व भागलपुर में 3-3 ट्रेनिंग स्कूल खोलने की पर विचार कर रही है। वहीं वैशाली, सिवान, समस्तीपुर, रोहतास, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भागलपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी व नालंदा में 2-2 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। इसके अलावा बाकी बचे जिलों में जैसे अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और गोपालगंज में 1-1 स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार की ओर से नई योजना से बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा और आम लोगों की जो शिकायत है कि गलत तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में पैसा लगता है, इस पर रोक लगेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।